नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। चंपाई सोरेन सरकार में कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार, कांग्रेस से इरफान तो झामुमो से इस विधायक का नाम तय। झामुमो और कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार का खाका लगभग तैयार हो गया है। इस बार कैबिनेट में पूरे 12 मंत्रियों का बर्थ भरा जाएगा। टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अल्पसंख्यक कोटे से जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है। झामुमो ने भी कैबिनेट में खाली अपने कोटे के एक मंत्री पद के लिए बैद्यनाथ राम का नाम तय किया है। 28 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस अपने दोनों मंत्रियों को बदल सकती है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के परफॉर्मेंस से कांग्रेस नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। बादल का पत्ता कटा तो महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कांग्रेस कोटे से एक और मंत्री हटे तो 4 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कांग्रेस नेतृत्व से जल्द ही अपना निर्णय बताने को कहा है। उधर बुधवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर व प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से कैबिनेट विस्तार और विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा की। इसके अलावा राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात, कैबिनेट विस्तार और समीकरण पर चर्चा हुई। कांग्रेस गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री सोरेन को अपने नए मंत्रियों की सूची सौंप सकती है। अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। वे पिछले 5 महीनों से जेल में हैं। कोर्ट द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 13 जून को हेमंत सोरेन को बड़गई अंचल के पूर्व भू राजस्व अवर निरीक्षक भानु प्रताप की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाई दी गई थी। आज यानी 27 जून को उनकी न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फिर से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड में 2 दिन गर्मी से राहत नहीं, प्रदेश में 29 जून से मानसून का दिखेगा असर, 30 से पूरे राज्य में बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून की एंट्री 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी है, हालांकि प्रदेश में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। राजधानी रांची समेत कई इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, इस वजह से राज्य में उमस बढ़ गई है। बारिश न होने से प्रदेश के कई शहरों का तापमान भी बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज शाम को झारखंड के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसे लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कल और 29 जून को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। 30 जून से राज्य में बारिश का विस्तार होगा और राज्य के अलग सभी हिस्सों में बारिश के आसार है। आने वाले कुछ दिनों में इसका विस्तार होगा। राज्य में 30 जून तक अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, इस जिले में चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम पहुंची है। एनआईए की टीम मनोहरपुर के जोगी भट्टा में छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि एनआईए की टीम किस मामले में छापेमारी कर रही है, लेकिन सूचना मिल रही है कि माओवादियों को फंडिंग को लेकर छापेमारी चल रही है। विधायक के भाई की गाड़ियों में नक्सलियों ने लगाई आग, सड़क निर्माण में लगी थी गाड़ियां। विधायक कमलेश सिंह के भाई बोले पुलिस ने नहीं दिखाई सक्रियता। पलामू में माओवादियों ने हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह उर्फ बीनू सिंह की गाड़ियों को जला दिया है। जलाए गए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर सड़क निर्माण कार्य में लगे थे। सड़क निर्माण के बाद रात में सड़ेया में वाहनों को खड़ा किया गया था। घटना को बुधवार की देर रात अंजाम दिया गया। बीनू सिंह के अभय इंटरप्राइजेस द्वारा हैदरनगर के डंडीला गांव से हुसैनाबाद के सड़िया तक रोड बनाया जा रहा है। यह 2 प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क है। इस क्षेत्र में पहली बार सड़क का निर्माण हो रहा है। माओवादियों द्वारा सड़क के शिलान्यास के बाद शिलापट्ट को उखाड़ दिया गया था। संवेदक बीनू सिंह ने बताया कि माओवादी नितेश यादव के दस्ता के द्वारा लगातार काम बंद करने की धमकी दी जा रही थी। पिछले साल दिसंबर माह में काम शुरू होते ही माओवादियों के धमकी के कारण सड़क का काम बंद करना पड़ा था। 10 दिसंबर से काम बंद था। काम बंद करने के लिए माओवादी दस्ता 2 बार निर्माण कार्य में लगे स्टाफ को साथ लेकर चला गया था। इसके बाद स्टाफ भी दहशत में था। विभाग के प्रेशर के बाद 3 दिन पहले फिर से सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। माओवादियों द्वारा पोस्टर लगाए जाने के बाद सड़ेया में किराए का मकान लेकर ऑफिस शुरू किया गया था। यही गाड़ियां खड़ी थी।
विधायक कमलेश सिंह के भाई बीनू सिंह का कहना है कि माओवादियों की धमकी के बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी दिसंबर में ही दे दी गई थी। फरवरी माह में एसपी को भी माओवादी गतिविधि के कारण काम बंद होने की सूचना दी गई थी। विधायक कमलेश सिंह ने डीजीपी को अपने क्षेत्र में माओवादियों द्वारा बंद कराए गए 5 काम का सूची दिया था, फिर भी सुरक्षा को लेकर पुलिस की सक्रियता नहीं रही। माओवादियों का दस्ता देर रात सड़ेया गाँव पहुंचा और मुंशी को कब्जे में लेकर पिटाई की, फिर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओ मुकेश महतो के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। श्रावणी मेला को लेकर बासुकीनाथ में प्रशासनिक बैठक, अनुमंडल पदाधिकारी ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। अनुमंडल पदाधिकारी ने बासुकीनाथ मंदिर सभागार में श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आप अपने विभागों की सभी तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर लें ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बैठक के बाद उन्होंने मेला क्षेत्र में लगे सभी चेक प्लांटों का निरीक्षण किया और कहा कि इस बार प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आयोजन को लेकर दुमका एसडीएम ने सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बासुकीनाथ मंदिर सभागार में एसडीएम ने श्रावणी मेला व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए। श्रावणी मेला के दौरान पानी, बिजली, साफ सफाई के साथ मंदिर की विधि व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि श्रावणी मेला में आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी पदाधिकारी से चर्चा की और कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, इसको लेकर भी हमें सतर्क रहना होगा। मेला शुरू होने से पहले सारी तैयारियां ठीक से कर लेनी होगी, तभी हम इस विश्व प्रसिद्ध मेले का सफलतापूर्वक संचालन कर पाएंगे। सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल में जरूर कराए भर्ती, मदद करने पर सरकार देगी 10,000 रुपए। झारखंड सरकार में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों अथवा हताहतों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अलग से फंड का प्रबंध किया जाए। जिला स्तर पर अधिकारी स्वयं घोटालों को यह राशि उपलब्ध करा दें और बाकी राशि नियमानुसार मिलता रहे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बनी योजना गुड सैमरिटन की तहत राजधानी रांची में नया प्रयोग करते हुए इसके तहत लाभुकों को 5,000 से 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कई योजनाओं की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलों में परिवहन विभाग के पास अलग से एक फंड होगा जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की तत्काल मदद की जा सकेगी। इस फंड के लिए मंत्री दीपक बिरुआ ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने टैक्स डिफॉल्टरों से राशि वसूली और उनको लेकर रणनीति बनाकर वसूली करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों और हताहतों को तत्काल राहत दिलाने के लिए भी प्रबंध करने की बात कही। नहीं हो रहा था तो महिला ने पति की करा दी दूसरी शादी, बोली सौतन नहीं बहन ला रही हूँ। हजारीबाग के बरही में अनुमंडल कार्यालय अंतर्गत शिव मंदिर के प्रांगण में बुधवार को बरकट्टा में केंदुआ ग्राम के रहने वाले सिकंदर पासवान ने दूसरी शादी रचाई। दूसरी शादी पहली पत्नी की सहमति से कराई गई है। पहली पत्नी अनिता देवी ने बताया कि मुझे बेटा नहीं होता है, सिर्फ लड़की ही है, इसलिए मुझे मेरा वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए, इसलिए मेरे और मेरे मायके वालों की सहमति से दूसरी शादी कराई गई है। पहली पत्नी अनिता ने कहा कि दूसरी पत्नी सुमन देवी के पति की मृत्यु हो गई, उसके 2 लड़के हैं, उसके साथ में अपने पति का विवाह कर अपनी सौतन सुमन को अपने साथ अपने घर ले जा रही हूं और हम दोनों सौतन अपनी सगी बहनों की तरह रहेंगे। पति सिकंदर पासवान ने बताया कि मेरी पहली पत्नी की सहमति से एवं अपने ससुराल वाले की सहमति से मैंने सुमन से दूसरी शादी की और मैं दोनों पत्नी को एक जैसा मान सम्मान दूंगा। 3,000 से ज्यादा नौकरी देगा श्रम विभाग, ऐसे करना होगा आवेदन। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड सरकार रोजगार देने की ओर कदम उठा रही है। श्रम विभाग अंतर्गत नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय जल्द ही राज्य के 3,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग द्वारा रांची और गढ़वा जिले के रोजगार मेला लगाया जाएगा। मेले में बेरोजगार युवाओं का चयन आईटी सेक्टर से लेकर प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। रोजगार मेले का आयोजन रांची में 29 जून और गढ़वा में 4 जुलाई को आयोजित होगा। रांची में होने जा रहे रोजगार मेले में विभाग द्वारा 1500 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। आईटी सेक्टर के बेरोजगार युवक युवतियों को भी रोजगार देने की तैयारी है। आईटी सेक्टर में सैलरी 26,000 से 53,000 रुपए तक रखी गई है। आईटीआई में ट्रेनिंग के लिए बेरोजगारों को सबसे अधिक 500 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
गढ़वा नियोजनालय में लगने वाले रोजगार मेले में करीब 1500 के करीब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। यहां भी आईटीआई और डिप्लोमा धारी बेरोजगारों को सबसे अधिक 400 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। योग्य बेरोजगारों को नियोजनालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रोजगार मेले में राज्य के अधिकांश निजी क्षेत्र के नियोजक भाग लेंगे। रिक्त पदों पर राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू होगा। सेना के पास रहेगी सीरम टोली की जमीन। रांची शहर के सीरम टोली स्थित जमीन से ईडी की जब्ती हटा ली गई है। इस जमीन पर अब पूरी तरह सेना का कब्जा होगा। ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने इस जमीन को स्थायी रूप से जब्त करने से इनकार किया है। रांची जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 1 सितंबर 2023 को इस जमीन को अंतरिम तौर पर जब्त किया था, लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक सेना का था। ऐसे में इस जमीन की स्थायी जब्ती नहीं की गई। सीरम टोली स्थित सेना ने 3.75 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री जांच के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने फरवरी 2018 में कराई थी। इस जमीन की रजिस्ट्री महुआ मित्रा और संजय कुमार घोष से कराई गई थी। इस जमीन की खरीदी विष्णु अग्रवाल ने 24.37 करोड़ रुपए में की थी, लेकिन ईडी ने अब इस मामले की जांच की तो पाया कि यह जमीन सेना ने 1948 में ही अधिग्रहित की थी। झारखंड में 64 साल से अधिक के बुजुर्ग भी मांग रहे रोजगार। झारखंड में रोजगार मांगने वालों की कतार में युवाओं के साथ बुजुर्ग भी शामिल है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 64 वर्ष से अधिक उम्र के 474 लोगों ने रोजगार मांगा है, जबकि 55 से 64 वर्ष आयु के 6268 लोगों ने रोजगार के लिए पोर्टल पर निबंधन कराया है। इसके अलावा राज्य से अब तक कुल 6,53,921 लोग रोजगार मांग चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 3,02,024 25 से 34 आयु वर्ग के युवाओं की है। इसके बाद 18 से 24 वर्ष के 2,30,230 युवाओं ने रोजगार की मांग की है। नौकरी की तलाश कर रहे देश भर के 58,01,71,201 लोगों ने एनसीएम पोर्टल का रुख किया है, जबकि झारखंड के 39,36,549 लोग एनसीएम पोर्टल विजिट कर चुके हैं। इस मामले में झारखंड के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 0.68% है। बोकारो के दनिया स्थित पुलिस पिकेट के नजदीक दीवारों पर नारे लिखकर दी गई धमकी। बोकारो के दनिया स्थित पुलिस पिकेट के नजदीक दीवारों पर धमकी भरे नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने जब देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। यह नारे PLGFI संगठन के नाम से लिखी गई है। नारों में लिखा गया है कि चतुर्भुज प्रजापति कामदेव महतो को भत्ता का हिसाब देना होगा, प्रति ट्रैक्टर 1,000 रुपए देना होगा, नहीं तो ट्रैक्टर जेसीबी जला देंगे। जहां पर यह नारा लिखा गया है वहां से थोड़ी दूर पर ही पुलिस पिकेट भी है। घटना की सूचना मिलने पर जोगेश्वर बिहार थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार देखने से लग रहा है कि असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है। PLGFI संगठन नाम का कोई संगठन नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। रांची जेल में रची गई थी ईडी अफसरों पर हमले की साजिश। प्रेम प्रकाश था मास्टरमाइंड। संसद में इन्होंने बताया, केंद्र सरकार ने ईडी अधिकारियों पर हमले और आपराधिक साजिश रचने से जुड़े संसद में पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया है। जवाब में बताया गया है कि रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद प्रेम प्रकाश ने ही ईडी अधिकारियों पर हमले की साजिश रची थी। वह 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुआ था। प्रेम प्रकाश ने ईडी के जांच अधिकारी पर हमले और अधिकारियों को तुच्छ मामलों में फंसाने की योजना बनाई थी। दरअसल रांची के सांसद संजय सेठ ने 11 दिसंबर 2023 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ईडी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्रवाई से जुड़े सवाल पूछे थे। उसी का जवाब तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भेजा है। वित्त मंत्रालय ने जवाब में कहा है कि अपने खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए प्रेम प्रकाश ने कुछ अधिकारियों समेत अपनी ऊंची पहुंच के बल पर साजिश रची थी। उसके खिलाफ अवैध खनन और भूमि घोटाले से संबंधित जांच अभी भी चल रही है। राजमहल में धारदार हथियार से युवक की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। साहिबगंज में राजमहल थाना क्षेत्र स्थित कालीघाट में 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। मृतक का नाम नंदू दास है। पुलिस ने शव के थोड़ी दूर से धारदार हथियार बरामद किया है। युवक के घर वाले व दोस्तों से पुलिस आवश्यक जानकारी उठा रही है। बेटे के शव को देख माँ बार बार बेहोश हो जा रही है। SP कुमार गौरव ने बताया कि छानबीन चल रही है, बहुत जल्द कांड का उद्भेदन किया जाएगा। जल्द आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। जोगेश्वर गोप के ईट फैक्ट्री में NIA की रेड, मोबाइल समेत कई कागजात ले गई टीम।
चाईबासा जिले के मनोहरपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी कर रही है। एनआईए ब्रांच टीम की गुरुवार सुबह करीब 7 बजे जोगेश्वर गोप उर्फ जोगी के ईट फैक्ट्री पहुंचकर करीब 4 घंटे तक तलाशी ली। एनआईए की टीम जोगेश्वर गोप का आधार कार्ड, एक मोबाइल और कुछ कागजात अपने साथ लेकर गई है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा और माओवादियों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि एनआईए की टीम किस मामले में छापेमारी कर रही है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खबर सामने आ रही है कि भाकपा माओवादियों को फंडिंग करने के मामले में यह छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह एनआईए की टीम जेल में बंद अमन साहू के 3 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। अगस्त से नवंबर तक अलग अलग पदों के लिए जेएसएससी आयोजित करेगा परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस साल अगस्त से नवंबर तक कई पदों पर भर्ती की जाएगी। जेएसएससी की माने तो इस दौरान लगभग 37,477 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें राज्य के अधिकांश खाली पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया है। जेएसएससी ने बुधवार को नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अगस्त से नवंबर तक नौ नियुक्ति परीक्षाओं के माध्यम से 37,477 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 3 नियुक्ति परीक्षाएं ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी, वहीं 6 नियुक्ति परीक्षाएं सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। सबसे अधिक प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पद है जिसमें बहाली ली जानी है। जारी शेड्यूल के अनुसार अगस्त के दूसरे सप्ताह में झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी। नगर निकाय सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में 921 पद, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा 2023 अगस्त में 727 पदों के लिए, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 जुलाई में 441 पद, सहायक शिक्षा 26,001 पदों के लिए सितंबर व अक्टूबर में परीक्षा, सामान्य स्नातक परीक्षा 2023 अगस्त 2017 पदों के लिए, पैरामेडिकल परीक्षा 2023 सितंबर में 2532 पदों के लिए, स्नातक परीक्षा 2023 454 पदों के लिए ली जाएगी। पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। नक्सली मुठभेड़ में शामिल पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि तिलकेश्वर के खिलाफ 67 आपराधिक केस दर्ज है, जिनमें से 9 में वह रिहा हो चुका है। करीब 27 केस में ट्रायल चल रहा है। चाईबासा के गुदरी थाना क्षेत्र में जून 2021 को नक्सली पुलिस में मुठभेड़ में वह शामिल था। मामले को लेकर गुदरी थाना में कांड संख्या 7/2021 दर्ज किया गया था। बता दें कि चाईबासा की निचली अदालत ने उसे जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी, साथ ही जमानत का आग्रह किया गया था। बोकारो में पत्थर से कुचलकर व्यक्ति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जिले में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव देखकर प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2A की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने बोकारो इस्पात विद्यालय के पीछे एक शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल हो सकता है चंपाई मंत्री परिषद का विस्तार। कांग्रेस झामुमो के कोटे से बन सकते हैं 2 नए मंत्री। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद से ही मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यह लगभग फाइनल हो गया है कि शुक्रवार को चंपाई कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चंपाई सरकार में 2 नए मंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें एक कांग्रेस और दूसरा झामुमो कोटे से हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को होटवार जेल में जाकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इस भेंट में दोनों नेताओं ने कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की थी और नए मंत्रियों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। हालांकि बुधवार को मोरहाबादी मैदान में नशा के विरुद्ध आयोजित जागरूकता अभियान के बाद पत्रकारों ने जब नए मंत्री को लेकर सीएम चंपाई सोरेन से सवाल पूछा तो उन्होंने इतना कहा कि बहुत जल्द मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि झामुमो से बैजनाथ राम को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने भी बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में अपने कोटे के मंत्री के नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस की ओर से इरफान अंसारी के नाम की चर्चा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।